दोस्तों आईपीएल के ट्रॉफी को जीत के चेन्नई सुपर किंग्स ने रचा इतिहास और बन गई 5 बार आईपीएल जीतने वाली चैंपियन टीम। एक दिल दहला देने वाली पारी खेलते हुए जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों में पलट दी थी पूरी बाजी। पूरी कहानी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों आईपीएल के फाइनल महामुकाबले के लिए दोनों ही टीम चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस अपना जान झोंक देने में मैदान में उतरी थी। पारी दोस्तों टॉस की आती है तो चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला ले लिया। दोस्तों आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि धोनी और हार्दिक में से किसकी बैटिंग आपको अच्छी लगी। चेन्नई सुपर किंग्स से दीपक का सामना करने शाह और गिल की जोड़ी मैदान में उतरती है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को अपने दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल का विकेट मिल सकता था कि दीपक चाहर ने उन्हें नया जीवन दान दिया। तीसरे ओवर से ही शाह ने अपना हाथ खोलना चालू कर दिया था कि चाहर को एक 82 मीटर का छक्का के साथ 2 चौका जड़ते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 24 तक पहुंचाया था। चौथे ओवर से गिल ने भी अपना हाथ खोलना चालू कर दिया था कि देश पांडे के ओवर में 3 चौके जड़ दिए थे। 5वें ओवर में शाह को भी एक जीवनदान मिला था जिसका खामियाजा सीएसके को भुगतना पड़ा। गुजरात टाइटंस के स्कोर बोर्ड पे 49 रन बन गए थे। दोस्तों रन की गति में लगाम लगाने के लिए 6ठे ओवर में फिक्स न आए, लेकिन धोनी का ये दाव भी उल्टा साबित होता दिखा कि 3 चौके ठोक दिए थे गुजरात के बल्लेबाज। चेन्नई को पहली सफलता जडेजा ने दिलवाई 7वें ओवर में गिल को आउट करके। धोनी ने अपना जौहर दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर लिया था। जी हां दोस्तों, 20 बॉल्स में 39 रन बनाकर लौट रहे थे गिल। शाह का साथ देने मैदान में साई सुदर्शन आते हैं। साई के आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करके चौके और छक्के बरस रहे थे मैदान में। शाह दोस्तों 28 पे 37 तो साई 6 पे 4 रन बनाकर खेल रहे थे। 12वें ओवर में 100 रन भी बन गए थे गुजरात टाइटंस के खाते में। 13वें ओवर में शाह ने चौका जड़ के अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। के साथ दोस्तों साई और शाह की पार्टनरशिप भी 36 बॉल्स पे 50 रन की हो जाती है कि दीपक ने अपने 14वें ओवर के आखिरी बॉल पे शाह को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। जी हां दोस्तों 39 बॉल्स पे 54 रन बनाकर आउट हुए थे शाह। 14वें ओवर में शाह के आउट होने के बाद हार्दिक क्रीज पे आते हैं। 15वां ओवर में साई ने थिक्सेना को 2 छक्के जड़ के गुजरात टाइटंस के स्कोर को 143 रन तक पहुंचा दिया था। 16वें ओवर में पतिराना को चौका जड़ के साई ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था 33 बॉल्स पे। रनों का सिलसिला इधर थमने का नाम नहीं ले रहा था कि उधर धोनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तुषार के ओवर में 1 छक्का और 3 चौके के साथ 18 रन बटोर लिए थे इस ओवर से गुजरात ने। 19वें ओवर में हार्दिक ने भी अपना बल्ला खोलना चालू कर दिया था और तुषार को 2 छक्का और 1 चौका जड़ के गुजरात के स्कोर बोर्ड के 200 का आंकड़ा छूने में मदद की थी। पतिराना के 20वें ओवर में साई ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए थे कि साई को चलता किया पतिराना ने। कुल 47 बॉल्स पे झंझनाती 96 रन की पारी खेलते हुए आउट हुए साई सुदर्शन। आखिर के 3 बॉल्स के लिए राशिद आए हार्दिक के साथ देने के। आखिरी बॉल पे पतिराना ने राशिद को कैच आउट करा दिया और गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 214 रन ही बना पाई। 215 रन का टारगेट को चेस करने चेन्नई सुपर किंग्स से रुतुराज और डेवॉन की जोड़ी मैदान में उतरती है शमी का सामना करने के लिए। बारिश ने अपना कहर बरपाना चालू कर दिया था कि मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। लगभग 2.5 घंटे बाद डकवर्थ लुईस मेथड से इस मैच को दोबारा स्टार्ट करने का फैसला लिया गया और अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नया लक्ष्य निर्धारित हुआ था। जी हां दोस्तों 15 ओवर में 171 बनाने थे चेन्नई को इस मैच को जीतने के लिए। मैच दोबारा चालू होते ही दोनों रुतुराज और डेवॉन ने रनों की झड़ी लगा दी थी मैदान में के 6 ओवर्स तक कुल 72 रन बना दिए थे। जी हां दोस्तों गायकवाड़ 14 बॉल्स पे 25 तो डेवॉन 22 बॉल्स पे 44 रन बनाकर खेल रहे थे कि मजबूर ने गायकवाड़ को पैविलियन भेज दिया था। कुल 16 बॉल्स में 26 रन बनाकर आउट हुए गायकवाड़। उनका पीछा करते हुए डिवॉन भी 25 बॉल्स पे 47 रन बनाकर आउट होते हैं। अब क्रीज पे दो नए बल्लेबाज थे, जी हां, शिवम और रहाणे, और इन दोनों की जोड़ी ने चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी थी मैदान में। 11वें ओवर तक 117 रन बटोर लिए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने। ये अजिंक्य को मोहित ने आउट करके सीएसके को बैकफुट पे धकेल दिया था। 13 बॉल्स में कुल 27 रन बनाकर आउट हुए अजिंक्य। जीत के लिए अभी भी दोस्तों 18 बॉल्स पे 38 रन चाहिए थे के सामने खड़े थे दुबे और राइडू, जो अपना आखिरी मैच खेल रहे थे। जी हाँ, राइडू रिटायरमेंट ले रहे हैं। 13वां ओवर करने आए मोहित को राइडू ने 2 झन्नाटेदार छक्के और 1 चौका लगाते हुए उनकी दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया था कि मोहित ने अपने अगले ही बॉल पे राइडू को आउट करके पैविलियन वापस भेज दिया था। जी हाँ, 8 बॉल्स पे 19 रन की पारी खेलकर अंबाती पैविलियन लौट चले थे। दोस्तों अभी भी जीत के लिए 14 बॉल्स पे 22 रन की जरूरत थी चेन्नई को कि मैदान में एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ दोस्तों, एक दुर्भाग्यपूर्ण शॉट खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी मैदान छोड़ रहे थे आउट होके, वो भी बिना खाता खोले। धोनी के इस तरह आउट होने पर सदमे में चली गई थी मैदान। जडेजा दोस्तों अपने कंधों पे चेन्नई की पारी को संभालते हुए रन बनाने आए थे, लेकिन गुजरात के नतीतुली बॉलिंग के सामने सब फीका पकवान की तरह लग रहा था। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे जीत के लिए। गुजरात के स्टार गेंदबाज मोहित दोस्तों रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। ये आखिरी के 2 बॉल्स पे 10 रन चाहिए थे। जडेजा ने 1 छक्का तो दूसरा चौका जड़ के चेन्नई सुपर किंग्स को नया पार लगाया था। और दोस्तों आईपीएल का ये महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार अपने नाम कर लेती है। जी हाँ दोस्तों आपको चेन्नई सुपर किंग्स की ये जीत कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे इस आईपीएल के 16वें सीजन। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।